नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोविड 19 के 97,570 नए मामले सामने आने के बाद शनिवार को कुल संक्रमितों की संख्या 46,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं इस संक्रमण से अब तक 36,24,196 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में स्वस्थ होने की दर 77.77% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर परिचालन शुरू होने के साथ ही सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवा शनिवार से बहाल हो गई। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कोरोना वायरस महामारी के कारण 170 दिनों से भी ज्यादा समय से बंद थी। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से संगठन में किए गए व्यापक बदलाव के जरिए दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर समेत कई ऐसे नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में वापसी हुई है जो लंबे समय से 24 अकबर रोड पर सक्रिय भूमिका में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रति लोगों को लापरवाही नहीं बरतने की सलाह देते हुए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का मंत्र दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि स्थिति के बावजूद सरकार सब चंगा सी कह रही है। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत से 3 AK-47 और 2 M16 राइफल समेत हथियारों और गोला बारूद का जखीरा शनिवार को बरामद किया। चीन और हांगकांग में काम कर रहे अमेरिका के राजनयिकों की गतिविधियों पर चीन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की है और इसे पिछले साल अमेरिका में चीन के राजनयिकों पर लगे इस तरह के प्रतिबंध की प्रतिक्रिया के रूप में उचित कदम करार दिया है। अफगानिस्तान के विरोधी खेमों ने दशकों के संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से पहली बार वार्ता शुरू की है जिसमें अफगान सरकार तथा तालिबान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डीजल की कीमतों में शनिवार को 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। इससे डीजल अब 73 रुपये प्रति लीटर से नीचे आ गया है। वहीं पेट्रोल के दाम भी 13 पैसे प्रति लीटर घटाए गए हैं। 6 माह में पेट्रोल की कीमतों में दूसरी बार कटौती हुई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 5 महीने के ब्रेक के बावजूद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली अपनी टीम के सदस्यों की फिटनेस के स्तर से खुश हैं और 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL से पहले उन्होंने कहा है कि सभी पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। अब खबरें हरियाणा से। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने 3 सांसदों की ड्यूटी किसानों से बातचीत करने के लिए लगाई है। इसमें भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी शामिल हैं। ये तीनों सांसद शनिवार को रोहतक में किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। कुरुक्षेत्र में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली के लिए जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। 4 जिलों में भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों पर केस दर्ज किए गए हैं। अम्बाला के शहजादपुर व रोहतक में 1-1, यमुनानगर में 3, कुरुक्षेत्र में 4 FIR दर्ज हुई हैं। इनमें 103 लोगों को नामजद किया गया है। कुरुक्षेत्र में दर्ज केस में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी व कार्यकारी प्रधान करम सिंह व रोहतक में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को भी नामजद किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स के 111 पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी के अनुसार माइनिंग गार्ड के इन 111 पदों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत भूतपूर्व सैनिकों से भरा जाएगा। अम्बाला पुलिस ने एलोवेरा जूस की आड़ लेकर अंग्रेजी शराब की तस्करी का मामला पकड़ा है। पुलिस ने 290 शराब की पेटी पकड़ी है। मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शराब कहां से आई और कहां लेके जाई जा रही थी, इस संबंध में पुलिस व एक्साइज विभाग की टीम जांच कर रही है। 6 माह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने से पहले व्यापक तैयारियां करनी होंगी। कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों के बबल बनाने होंगे। एक बबल में 20 विद्यार्थी होंगे। हर विद्यार्थी को कंधे पर अपने बबल के कलर का रिबन लगाना होगा। इनमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक आदि शामिल है। विद्यार्थी को अपने बबल के कलर का बैंड भी कलाई पर पहनना होगा। एक बबल के विद्यार्थी दूसरे बबल के विद्यार्थी से नहीं मिल पाएंगे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।